भाई मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, और इतना ज्यादा अपसेट होने के पीछे का रीजन ये है ना, ये चीज एक एपिसोड में कहा गया है सचदेव की तरफ से मलहान के लिए और पुनीत सुपरस्टार के लिए। भाई साहब ने कहा कि पुनीत सुपरस्टार और अभिषेक मलहान जो है ना, वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो सबसे पहले क्लियर कर लो भाई कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे नहीं है, दोनों यूट्यूबर नहीं है। एक भाई साहब जो है शॉर्ट कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, और एक भाई साहब जो है वो लॉन्ग कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, और ऐसा करते हैं जो कि भौकाल मचाते हैं, ये मुझे अब पता चला। पर मैं नाराज इस बात से हूँ कि भाई साहब ने कहा कि ये दोनों वो यूट्यूबर है ना, एकदम सही है, दोनों एक ही ट्यूब पे सवार है। भाई साहब को अभी जो है ना किस तरह से बताए, ये वाला बिग बॉस मुझे नहीं पता, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि ये कितना शॉर्ट होता है, उसको देखने में कैसा लगता है। लेकिन जब 3 महीना 10 दिन के लिए आते है ना मेन बिग बॉस पे, वहां पे अगर ये भाई साहब आए होते ना, तो इनको लेवल बताते लोग कि तुम्हारे वर्ड का जो यूज है वो किस तरह से आप कर रहे हो, और लोग कितना चीप जा सकते। जब दूसरे लोग इनके वर्ड को लेकर के जाएंगे ना, ये भाई साहब ऐसे ऐसे तड़पेंगे। और खास करके यूट्यूबर के बारे में जो कह रहे हैं कि ये ट्यूबर, मतलब एक ही ट्यूब में है, तो सही है। वैसे अभिषेक मलहान की सिस्टर ने कहा कि देखो जो चीज कहा गया वो बहुत गलत तरीके से कहा गया, और इनको नहीं पता कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है, एक यूट्यूबर की ताकत क्या है, ये सामने वाले को जो है हल्के में ले रहे हैं। मेरा भी यही कहना है, अगर ये इतना छोटा प्लेटफॉर्म होता और शॉर्ट कंटेंट क्रिएटर भी अगर इतने छोटे प्लेटफॉर्म में होते, तो देखो मिस्टर फैजो को भले से जो भी बोला जाता हो, जन्नत जुबैर को जो भी बोला जाता हो, या वो कच्चा बादाम गर्ल को जो भी बोला जाता हो, लेकिन इनके पास में एक पावर तो है जो कि भाई उस जगह पे ले आके खड़ा कर देती है, जहां पे लोग मतलब सपने देखते रहते हैं, जहां पे पहुंचने के लिए आप मरते रहते हो कि भाई हमें एक बार बिग बॉस में बुला ले तो हमारा फेम डबल हो जाएगा। आप वहां पे खुद भी हो, और उसी जगह पे जो है यही ट्यूब वाले बंदे हैं, समझ रहे हैं। तो भाई इस चीज को लेकर के आपका क्या टेक है कमेंट सेक्शन पे बताओ। एंड मैं बहुत ज्यादा यार हिल गया कि एक इतना बड़ा स्टार, टीवी स्टार होने के बाद, जिसने पूरे 18 साल अपना बताता है कि मेरी जर्नी इसमें 18 साल रही है, 18 साल के अंदर में इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी बंदा कहीं से भी आता है उसको कभी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वरना आप भुवन बाम को देख लो, आशीष चंचलानी को देख लो, शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, ये सब के सब अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए इनके पास आते हैं। RRR के जो डायरेक्टर है SS राजामौली, उसकी प्रमोशन तक इनके चैनल्स पे हुई है, एक यूट्यूबर के चैनल पे। KGF 1 हो, KGF 2 हो, भाई इन सब का भी प्रमोशन हुआ है यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर के पास में। तो भाई ट्यूब, ये ट्यूब में से जब हवा निकलेगा तो आप उड़ जाओगे। एक चीज और, अभिषेक मलहान की बहन ने जो कहा ना कि ये चीज जो हुआ है गलत हुआ है, पैनलिस्ट बैठ करके जो है उनको कहा गया तुम में हवा भरा हुआ है, तो इस चीज को लेकर के मैं पूरी तरह से तो अग्री नहीं करता हूं, लेकिन थोड़ा अग्री करता हूं, क्योंकि अभिषेक मलहान जो है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस था, जिसकी वजह से वो अपने बातों के बीच में फिलर्स नहीं लाना, मतलब जो एक होता ना खालीपन, वो नहीं लाना चाह रहा था, बस कंटिन्यूसली बोले जा रहा था। यूट्यूबर्स के जब भी आप वीडियो देखते हो तो वो जो अपने बीच में जो खाली टाइम होता है उसको कटआउट कर देते हैं, ये सोच के कि ऑडियंस बोर हो जाएगी, और वो वही चीज लाइव करने की कोशिश कर रहा था। वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में हिला हुआ था, अपने आप को थोड़ा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से हवा में था ये भी नहीं था, और पूरी तरह से वो सही था ये भी नहीं था। तो इस बात को लेके ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ। बताओ नेक्स्ट वीडियो में, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे और भी अपडेट्स और डिस्कशंस के लिए आपको ये चैनल पर मैं फिर से मिलूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।